पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के तत्वाधान में आज हम सभी बिहार प्रांत के भोजपुर जिले के चरपोखरी प्रखंड के लाखा बर्नी इंटर हाई स्कूल में हम सभी योगाभ्यास करने के लिए एकत्रित हुए हैं। आप सबको मैं डॉक्टर ब्रिजमोहन योग प्रचारक पतंजलि योगपीठ हरिद्वार हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। और आज मैं आपको बच्चों के स्किल डेवलपमेंट के लिए, चरित्र निर्माण के लिए, उनका कंसंट्रेशन पावर एकाग्रता की शक्ति बढ़ाने के लिए अनुलोम विलोम का अभ्यास करवाने का अभी प्रयास करूंगा। तो आइए मैं इसकी विधि को बताता हूँ। ध्यान पूर्वक बैठ जाइए। एक बार दाहिना अंगूठा दाहिने नासिका पे रखेंगे, बाएं नासिका से धीरे धीरे सांस को भरेंगे 5 सेकंड तक, फिर बाएं नासिका को अनामिका मध्यमा से बंद करके दाहिना अंगूठा से धीरे धीरे सांस को बाहर करेंगे दाहिने नासिका से, फिर दाहिने नासिका से सांस भरेंगे, फिर दाहिना बंद करके बाएं से छोड़ेंगे। आगे बढ़िए बच्चों, ठीक है सर। आइए अभ्यास करते हैं इसका। मैं एक राष्ट्रीय गीत 2-3 अंतरे का आपके बीच रखने का प्रयास करूंगा, आप आनंद लेंगे अभ्यास का। बुला दीजिएगा उनको गाने के लिए, बुला दीजिएगा। सुंदरा सुभूमि भैया भारत के देशवा से, मोरे प्राण बसे हीमा खोहरे बटोहिया, मोरे प्राण बसे हीमा खोहरे बटोहिया, एक द्वार घेरे रामा हीमा को तवलवा से, तीन द्वार सिंधु घा रावेरे बटोहिया, तीन द्वार सिंधु घा रावेरे बटोहिया। लंबा गहरा सांस लेते रहिए, ध्यान को अपने प्राण वायु पर टिकाने का प्रयास। जाहू जाहू भैया रे बटोही हिंद देखिया हूँ, जहाँ पहुँची कोयल गावे रे बटोहिया, जहाँ पहुँची कोयल गावे रे बटोहिया, पवन सुगंध मंद अगर गगनवासे, कामिनी मीरा राग गावे रे बटोहिया, कामिनी मीरा राग गावे रे बटोहिया। लंबा गहरा सांस। अभी मैंने ये लंबा गीत है, मैं बाद में कभी आपके बीच और रखने का प्रयास करूंगा। आप अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे तो आपके जीवन में कभी भी अनिद्रा की बीमारी, माइग्रेन, अधकपारी की बीमारी, मिर्गी की बीमारी, पागलपन की बीमारी, जिनको याददाश्त कम है, जिनका मन चिड़चिड़ापन लड़ाई झगड़ा में रहता है, जो रोज चुगली करते हैं, चोरी चकारी करते हैं, लंबा गहरा सांस भरिए। अब बार बार जब जोर से करेंगे तो सर्दी भी ठीक हो जाएगा इससे, तो थोड़ा तेजी वाला कर लीजिए इसे। करिए, नाक से कुछ निकल जाए तो पूछ लेना इसे। नाक से क्या निकलेगा? नेता निकलेगा, सर्दी निकलेगा। अब कोई कोई ना ऐसे ऐसा अभ्यास करेगा, सुनो बेटा, जब अभ्यास करते किसी किसी को सर्दी हो जाती है, क्या होती है? अब सर्दी निकलना चाहता है, यहाँ झाँकता है आके। अब आदमी क्या करता है, अंदर खींच लेता है, लग रहा है ना कि कोई बड़ी धन है वो, अब अंदर निकले ऐसे। इसलिए जब सर्दी निकलना चाहे, नेता निकलना चाहे, तो उसको निकाल देना।